एक एवरेज सी इतनी शाय लड़की सीए कैसे बन गई, वो कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, वो भी तीनों स्टेजेस फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब जब मैं अपनी जर्नी को देखती हूँ तो रियलाइज किया, हाँ मुझ में एक सुपर पावर है। इनफैक्ट ये पावर सिर्फ मुझ में ही नहीं, आप सब लोगों में है। नेबर्स बोलने लग गए कि ये क्या लड़की सीए करेगी, इनफैक्ट सीए बनने के लिए तो 30 मार खान होना पड़ता है, वही लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों भी स्टेजेस क्लियर करते हैं। बट अब मैंने तो वो जिद पकड़ ली थी, मैंने बोला दिन रात एक कर लोगी बट फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन के ही रहोगी। तो जी हाँ, मैं इसी चीज को आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक इंसान में इस दुनिया में ये पावर होता है, एंड दिस पावर इज ऑफ कंसिस्टेंसी। आप भी अगर आपकी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा कदम आपको उठाना पड़ेगा, बट हर रोज छोटे छोटे कदम भी जो है वो फाइनली आपको आपके मंजिल तक जरूर खींच के लेके जाएंगे। सीए तो बन गई थी, अब मैंने वो कर दिया था जो लोग कह रहे थे मैं नहीं कर सकती थी, उनकी तो आवाज मैंने बंद कर दी थी। कि एक फैक्टर है वो है कंसिस्टेंसी। हम नहीं चाहते हैं कि आप एक ही दिन बहुत पढ़ाई कर लो या एक ही दिन बहुत मेहनत करके रिजल्ट की आशा करोगे। आप अगर जिम जाओगे और 2 घंटा वर्कआउट करोगे और मिरर में देखोगे, क्या कुछ फर्क नजर आएगा? नहीं। अगले दिन जाओगे वापस से 2 घंटा मेहनत करोगे, क्या कुछ रिजल्ट नजर आएगा? नहीं। बट आप वही हर दिन आधा आधा घंटा अगर आप जिम करते हो तो इवेंचुअली वो एक दिन आएगा जिस दिन आपको ये नजर आएगा कि हाँ अब मैं फिजिकली और फिट हो रहा हूँ, मेंटली और फिट हो रहा हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। हम ये नहीं कह रहे आपको जीनियस चाइल्ड होना पड़ेगा या बहुत ही होशियार बच्चा होना पड़ेगा अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। अगर मेरी जैसी एक एवरेज लड़की जो इतनी इंट्रोवर्ट है, जिसको लोगों से बात करने के लिए भी नहीं आता था, वो अगर कैमरा के सामने इतने बच्चों को पढ़ा सकती है तो आप क्यों नहीं? हर इंसान में और आप में भी, जी हाँ, ये पावर है। यू जस्ट हैव टू यूटिलाइज इट। मिरेकल्स डू हैपन। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक। तो वो उन लोगों की बातों पे ध्यान देती है और उनका और मेरा सेम ही है, मतलब हम बोलते नहीं है लोगों को, हम करके दिखाते हैं। तो मुझे पता था कि मैं, मुझको करके दिखाना है, मुझको अपने काम से, अपने कर्म से उनको जवाब देना है। मैं उस टाइम पे ना उन्होंने कुछ बोला और ना मैं कुछ बोलती, हमें सिर्फ अपना काम करना होता है, वो जवाब उनको खुद ही मिल जाता है। बट एटलीस्ट अभी मैं अपने करियर पर फोकस करूँ, तो वो जो भी थॉट्स थे ना नेगेटिव, मैं उसको साइड में रख देती थी, मैं बात ही नहीं करती थी उसके बारे में। और उस वक्त मैंने सोशल मीडिया देखना भी बंद कर दिया था, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर लोग कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते, कोई घूमने जा रहा है, यू नो, कोई शादी कर रहा है, एंगेजमेंट कर रहा है, तो मैं उससे खुद को दूर रखती थी। मुझे था कि अभी मेरा जो टाइम है वो सिर्फ पढ़ने का है, तो मैं सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करूँ। वो बाद की चीज़ें हैं, वो बाद में हो जाएंगी, यू नो, जो चीज़ जिस वक्त लिखी हुई है वो उस वक्त होनी ही है, तो उसकी टेंशन लेकर क्या फ़ायदा। एटलीस्ट मैं अपने करियर पे तो फोकस करूँ। मैंने उस वक्त, मेरी कोचिंग चल रही थी, ठंड का टाइम था, मैं सुबह 5 बजे अपने घर से निकलती थी कोचिंग के लिए, और जो भी उस वक्त लोग जग रहे होते थे वो सोचते थे कि ये क्या है, मतलब ये लड़की सुबह 5 बजे निकलती है, घर पे रात को 8 या 9 बजे आती है, तो पता नहीं क्या बाहर करने जाती है, ऐसा कौन सा ऑफिस है जो सुबह 6 बजे खुल जाता है। बट उनको नहीं पता था कि मैं कितनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ मैनेज कर रही हूँ। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, हर सीए स्टूडेंट की कहानी है। आपको इतना आर काम ही करना पड़ता है और ऑब्वियसली इसी की वजह से आप सीए बन पाते हो। मैं और मैं आपको बताऊँ, अब हमारी जो भी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, उसमें आई वॉज दी फर्स्ट सीए, तो इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है और मेरी मम्मी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हैं। और वो मुझे दिखाती नहीं है, पता नहीं उनका बचपन से ही ऐसा है, वो कभी मुझको रिवॉर्ड नहीं देती ना मुझे दिखाती हैं, बट मुझे पता है कि वो पीछे मेरे बहुत मेरी तारीफ करती हैं, जो मुझे कैसे भी पता चल ही जाता है। इतने सालों बाद मैं अब खुद को देखती हूँ, मैं एक सीए बन चुकी हूँ, मैं सक्सेसफुल भी हूँ, क्योंकि उस वक्त मैंने स्टेप लिया, मैं रुकी नहीं वहाँ पर। मुझे पता था कि ये जो जर्नी है मुझे मेरे सक्सेस तक लेकर जाने वाली है, इसलिए मैंने स्टेप लिया। तो गाइडेंस के लिए अगर मैं बैठी रहती तो फिर मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती, इस मंच पर आप मुझे नहीं देख पाते। तो अगर आप लड़की हैं और आप ये सोचती हैं कि पढ़ना आपका बेकार जाने वाला है, आप स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, उससे कुछ नहीं होने वाला, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपके अराउंड इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इतने सारे इंस्पिरेशन हैं, आप उनसे इंस्पिरेशन लो, पढ़ो, क्योंकि वो कभी भी ज़ाया नहीं जाने वाली, आपकी लाइफ के किसी भी पॉइंट पर वो काम आ सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो ये सोचना कि जस्ट बिकॉज हमें घर संभालना है तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इट्स टोटली रॉन्ग। आप पहले खुद पर ध्यान दो, जब आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे तो ऑब्वियसली आपके आने वाली जनरेशन भी आपकी मिसालें देगी। तो आपको पहले खुद पर ट्राई करना चाहिए, पढ़ो उसके बाद सोचो बहन क्या करना है, वो बाद की बात होती है। बट स्टिल आपको इस वक्त अगर आप पढ़ाई के फेज में, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, वो आपका भविष्य बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने वाला है। तो जब आप पढ़ते हो तो आपका माइंड खुलता है, मतलब आप थोड़ा सा ब्रॉडर माइंड के होते हो और आप चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हो, आपका नज़रिया चेंज हो जाता है, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले जनरेशन के लिए, तो हेल्पफुल रहेगा ही ना। तो आपको हमेशा पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रैंकर भी होगे, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते होगे तभी वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट स्टडी, और ये आपके लाइफ में हमेशा काम आने वाला है, कभी भी आगे जाकर आपको ये फील नहीं होगा कि मैंने इतना क्यों पढ़ लिया, हमेशा वो आपके लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करने वाला है। मुझे इतना पता था कि मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर स्किल है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, बस कोई गाइड करने वाला मिल जाए, बस मुझे ये था कि मैं इसकी वजह से, जस्ट बिकॉज मेरे पास गाइडेंस नहीं, मैं रुकने वाली तो नहीं हूँ, एटलीस्ट मुझे स्टार्ट करना है। लेकिन आपको एक स्टेप लेना होता है, उसके बाद चीज़ें खुद ना खुद होना शुरू हो जाती हैं और वो आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचा के रखते हैं। सो टेक दैट स्टेप। तो क्या है कि इंसान ने, एक मुझे समझ में आया है कि अगर हमारे अंदर कोई वीकनेस है तो उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जो बात मुझे समझ में आती है कि इंसान ने वो ज़रूर करना चाहिए जो उसका दिल चाहता है, उसका पैशन कहता है, हमें वो नहीं करना चाहिए जो दुनिया कह रही है। आई जस्ट वॉन्ट टेल यू दिस कि टेक्नोलॉजी मेक्स एन इम्पैक्ट, पर आपको अपने आप को हमेशा, एक चीज़ मैंने जो समझी है, मैंने जो फॉलो की है वो ये है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो मेरी अपनी 9 साल की जर्नी से कुछ लाइफ लेसन्स मैंने सीखी, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में वो गलतियाँ ना करें और उनको पहले ही समझ जाएं। सबसे पहली चीज़, खुद पर प्लीज़ विश्वास करें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और आप पर विश्वास नहीं करेगा। अगर आप किसी कुएं में होते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को कोशिश करनी है कि मैं बाहर निकाल लूँ वहां से। अगर आप पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कोई मदद करने नहीं आएगा। दूसरी चीज़, लाइफ में कभी भी गिव अप ना करें, कोशिश करते रहें। जो भी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं वो हमें, एक हमारा हायर सेल्फ है उसकी तरफ ले जाने की जर्नी है पूरी। जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, जो भी आप लाइफ में चीज़ें आपके हिसाब से जब नहीं जाती हैं, वो चीज़ें आपको कॉन्स्टेंटली कुछ सिखाना चाह रही हैं। मेरी 9 साल की जर्नी मुझे कॉन्स्टेंटली ये सिखा रही थी कि नेहा खुद पर विश्वास करो, अपने डिसीजंस पर विश्वास करो, जो मैं नहीं कर रही थी और उसकी वजह से मैं कॉन्स्टेंट वो फेलियर फेस कर रही थी। पर जब मैंने वो चीज़ें समझी जो ज़िंदगी मुझे सिखाना चाह रही है, वहाँ से चीज़ें बदलने लगी। तो आप अभी ये फिगर आउट करिए कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, उन गलतियों में ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। दूसरी चीज़, बहुत लोग मुझसे अभी भी पूछते हैं क्या इंग्लिश आना ज़रूरी होता है। इंग्लिश अभी, येस इट इज़ अ नेसेसिटी, यू नीड टू नो अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो हम हमेशा खुद को सेल्फ रिजेक्ट करते रहते हैं, कोई लैंग्वेज सीखनी है, अरे हम कहाँ सीख पाएंगे, अरे हमसे कहाँ हो पाएगा। तो जब वो ड्राइवर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों खुद को सेल्फ रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश आना जरूरी है। नाउ व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल करियर, योर प्रोफेशनल लाइफ, तो बहुत लोगों को ऐसा मिथ होता है और ऐसा लगता है उनको कि बहुत बायस है सोसाइटी, एक लैंग्वेज को लेकर इतना बायस क्यों है। कोई बायस नहीं है। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ, वहां बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं जिनकी हो सकता है उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ना हो। अब मुझे हिंदी आती है सिर्फ, उन्हें अपने रीजन की लैंग्वेज आती है, तो हम बात कैसे करेंगे, सेम टीम में कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो इंग्लिश वो लैंग्वेज है जिसमें हम सब बात कर पाते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को जोड़ती है। तो अगर आप किसी अच्छी जगह काम करना चाहते हैं तो इंग्लिश आना आपको ज़रूरी है। और आजकल बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं। और ऐसा मत समझिएगा कि कोई एक गोली लाकर आपको दे देगा और आप अगले दिन उठेंगे बहुत अच्छी लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस से आती है। जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा कैसे। तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। What are the key takeaways from this incident of my life? The number one key takeaway is whatever happens happens for a great cause. The second key takeaway is दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। I selected science just because everyone else was doing it, just because my friends were doing it, just because people said your life will be sorted. So never do this. Do a proper research before you select a course, before you select a profession. You need to do a proper research. The key takeaways are: Number one, never, never, never give up. Even if you are going through hell, keep on walking. एक दिन आएगा, hell भी पीछे रह जाएगा. लेकिन अगर आप hell में ही रुक गए, तो just think over it. आप वहीं पे रुक गए. So it's better, keep on walking.
नंबर टू, घबराना नहीं है. सुनने में बहुत आसान लगता है डू नॉट पैनिक, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन सिचुएशंस लाइक दिस व्हेन यू आर हाफ एन आवर लेट फॉर योर एग्जाम द फर्स्ट थिंग यू डू इज पैनिक. सो डोंट पैनिक, जस्ट बी काम एंड डू योर वर्क. सो द की टेक अवे फ्रॉम द थर्ड इंसिडेंट इज Do what you love. I remember the Steve Jobs commencement address of Stanford in 2005. He particularly said, your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do great work. And the only way to do great work is to love what you do. So think big, think really big. Please do not restrict yourself. And the third key takeaway from this incident is, please go and invest in your technology. If you are a student, invest in technology. If you are an entrepreneur, invest in technology because this is going to work for you. You cannot expand, you cannot diversify if you are not investing in technology. I have learned, please don't stop at failures. Failure is not the end, it is just the beginning. Always try to convert your weaknesses into your strength. Just try to put you down, but you have to pick yourself up. Dust yourself off and start again. This is the ultimate key takeaway from this story, and I hope you will get inspired and you will also do big things in your life. And in the end, I would like to say, jaisa main hamesha kehta hoon, seekhte rahein, kyunki seekhna band to jeetna band.